अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट थर्मियोनिक एमिशन, कि थर्मियोनिक एमिशन क्या होती है। कि हमारे पास जब हम किसी कंडक्टर को जब इलेक्ट्रिकली हीट अप करते हैं, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनकी मोशन होती है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्लो करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, थर्मियोनिक एमिशन कहते हैं। इन 1850s फिजिसिस्ट स्टार्टेड एग्जामिन द पैसेज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द वैक्यूम बाय पुटिंग टू इलेक्ट्रोड्स इन द सील्ड वैक्यूम ट्यूब। अब यहाँ पे 1815 में फिजिसिस्ट ने जो है वो एग्जामिन किया था, कि जब उन्होंने टू इलेक्ट्रोड्स, ये देखिए आपको नज़र आ रही होंगी, ये जो मैंने यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं, तो ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोड्स हैं। क्या है ये, इलेक्ट्रोड्स हैं। इनको हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिकली हीट अप करना है। फर्स्ट इलेक्ट्रोड को मैंने नेगेटिवली पोटेंशियल दे दिया, सेकेंड को मैंने पॉजिटिव पोटेंशियल दे दिया। तो क्या होगा कि यहाँ से जब हमारे पास, जब हम इसे पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव पोटेंशियल देंगे, तो क्या हो जाएगी, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो मूव करेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास कुछ रेज एमिट होंगी, ठीक है। कुछ रेज एमिट होंगी, वो रेज जब एमिट होंगी तो उन रेज को उन्होंने कह दिया कि ये हमारे पास कौन सी रेज हैं, ये कैथोड रेज हैं। इन 1897 में जे जे थॉम्सन ऑब्जर्व द डिफ्लेक्शन ऑफ कैथोड रेज बाय बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। 1897 में जे जे थॉम्सन ने ऑब्जर्व किया था कि किस तरह जो है हमारे पास कैथोड रेज एमिट होती हैं इन बोथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में। तो स्टूडेंट्स क्या किया था हमने, टू इलेक्ट्रोड्स ली, इलेक्ट्रोड्स एक को पॉजिटिव पोटेंशियल दिया, एक को हमने नेगेटिव पोटेंशियल दिया, जिसको हमने नेगेटिव पोटेंशियल देने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की मोशन होना शुरू हो गई, उसने कुछ रेस एमिट की। वो रेस कौन सी थी, वो हमारे पास नेगेटिवली चार्ज थी, क्योंकि हमने उसे नेगेटिव पोटेंशियल दिया हुआ था। तो वो रेज हमारे पास कौन सी थी, हमारे पास कैथोड रेज थी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टंगस्टन फिलामेंट पे। अब टंगस्टन फिलामेंट क्या है, टंगस्टन फिलामेंट हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। टंगस्टन फिलामेंट जो है वो हम इसे किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज़ करते हैं। टंगस्टन फिलामेंट को हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज़ करते हैं, और इससे हम अगर 6 वोल्ट यानी 0.3 एम्पियर तक का भी इसको करंट दे, तो ये चार्ज हो जाती है, ठीक है। इसमें से करंट जो होता है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। इसीलिए हम ज़्यादातर टंगस्टन फिलामेंट को जो है वो अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज़ करते हैं। होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।